भारत की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर क्षेत्र का अति प्राचीन और अतिशयकारी है। मंदिर जी के बारे में बताया जाता है, सन 1658 में मुगल बादशाह शाहजहां के शासन में सैनिक रामचंद्र को झाड़ियों में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की मनोहारी प्रतिमा प्राप्त हुई और ये वही प्रतिमा थी जिसे रामचंद्र अपने स्वप्न में देखा करता था। प्रतिमा मिलने के बाद रामचंद्र ने अपने घर में विधि विधान से प्रभु को विराजमान कर श्रद्धा भाव से नियमित पूजन अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु पूजा करने के लिए शाहजहां के अन्य सैनिक भी वहां आने लगे और पूजन एवं नगाड़े के साथ आरती करने लगे। सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण लकड़ी से किया गया था। इसके बाद सन 1878 में इस मंदिर का लाल पत्थरों से नवीनीकरण किया गया, तभी से ये लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शहर के बीचों बीच बसा ये मंदिर आज भी जैन श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा मंदिर जी में आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु भगवान पार्श्वनाथ के साथ अन्य जैन प्रतिमाओं के दर्शन कर अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैन धर्मावलंबी प्रतिदिन श्रद्धा भाव से प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, पूजन एवं दर्शन कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। शांति धारा कराने के लिए एक दिन की नछावर राशि 2100 रुपए है, जो कि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक डिटेल्स एक्सिस बैंक, चांदनी चौक, दिल्ली, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी। अकाउंट नंबर 2540101000134, IFSC कोड UTIB 00002 54 एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें लाल मंदिर ऑफिस 0114654 2214। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, महामंत्री विजेंद्र जैन कोषा अध्यक्ष शेखर जैन, प्रधान चक्रेश जैन, सचिव नीरज जैन, मंदिर मैनेजर पुनीत जैन। ओम नमः, ओम नमः, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीवधर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भारत के राजधानी दिल्ली में सबसे प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर लाल मंदिर है। लाल किले के सामने, लाल किले के समय में बना हुआ यह मंदिर जैन धर्म के अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत के देशना देने वाले ऐसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का यह मंदिर है और इसमें 2400 भगवानों के मूर्तियां विराजमान हैं और पूरे देश से, विदेश से जैन जैनेतर लोग यहां दर्शनार्थ आते हैं। भगवानों ने, 24 तीर्थंकरों ने विश्व कल्याण का उपदेश दिया और स्वयं उस मार्ग में चले, उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये शांति धारा करते हैं। महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो उठने वाले विचार हैं वो व्यक्ति को अशांत कर देते हैं और उसको शांत करने के लिए ये शांति धारा ध्यान का काम करता है। एकाग्र चित्त होकर के देखते हैं तो मन एकाग्र होता है, तन मन चेतन को आनंद और शांति का लाभ मिलता है। महानुभाव, मेरा मंगल आशीर्वाद है कि सभी लोगों को शांति धारा देखना चाहिए, करना चाहिए, कराना चाहिए। यही यहाँ के पंचायत के ट्रस्टी लोगों को, सभी लोगों के लिए मेरा मंगलमय आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्लीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओं नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्रीवीत्रागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय, द्वादशगण परिवेष्टिताय, शुक्लध्यान पवित्राय, अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय, अनंत ज्ञानाय, अनंत दर्शनाय, अनंत वीर्याय, अनंत सुखाय, सिद्धाय, बुद्धाय, त्रैलोक्यवशंकराय,
सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्रपना मंडल मंडिताय उपसर्ग विनाशाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अमराय अभवाय आचार्य बाहुबली महाराज संघस्य आचार्य धर्मसेन मारणाम देहस्य मम चतुरी संघस्य संयोजनाम देहस्य चंद्रमती माताजी दक्षमती माताजी नाम देहस्य सपरिवारस्य श्रीमान इच्छा पूरन जी कमलेश जी सपरिवारस्य श्री मोनेश जी प्राची जी अरवाहना सपरिवारस्य श्रीमत सलोनी रिद्धि सिद्धि सपरिवारस्य सुनने वाले देखने वाले अनुमोदना करने वाले शांति धारा करने वाले अभिषेक करने वाले समस्त जैन परिवारस्य चक्रेश भाई पुनीत भाई कविता नाम से परिवारस्य अपवायम अस्माकम अपमृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम् सर्वराज्यभयम् सर्वचोरभयम् सर्वदुष्टभयम् सर्वमृगभयम् सर्वात्मचक्रभयम् सर्वपरमन्त्रम् सर्वशूलरोगम् सर्वक्षयरोगम् सर्वकुष्ठरोगम् सर्वक्रूररोगम् सर्वनरमारिम् सर्वगजमारिम् सर्वासुमारिम् सर्वगोमारिं सर्वमहिष्यमारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगुल्ममारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविषमारिं सर्ववेतालशाकिनी डाकिनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्यवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टा पत्तंद्रोणुकमा सौहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हनन दद पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्र शीघ्र यत्सुखम त्रिवशु लोकेशु व्याधिन्वसन्वर्तम अभयं क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु सर्वकार्य सिद्धिर्मस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु चंद्रप्रभा वास्तु पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदन शीतलवन शरद नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्थेभ्यो नमः इत्थे न मंत्रे नवग्रह शांत्यर्थम गंधोदक धारावर्षणम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम संपूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरोशुराज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा उदक चंदन तंदुल पुष्पके चरुसुदीप सदूप पलार्गके धवल मंगल गानर वांकुले जिन ग्रहे अभिषेक महामेजे ओम ऋषि पार्श्वनाथ तीर्थंकराय चौबीस तीर्थंकराय अभिषेक शांति धारा अर्घ्यम निरूपामिति। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा महामंत्री विजेंद्र जैन कोषा अध्यक्ष शेखर जैन प्रधान चक्रेश जैन सचिव नीरज जैन मंदिर मैनेजर पुनीत जैन।